हाय दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बताने वाले हैं आपको न्यू चैनल क्रिएट कैसे करें, कैसे बनाएं और वो ग्रो कैसे करें, सारी पूरी फुल शेडो के साथ। और हमारे आज गणेश भाई का आज मेरे पास आए हुए हैं और काफी दिनों से बोल रहे थे भाई मेरा चैनल बनाना है, क्योंकि मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन इस भाई का चैनल पहले बनाया था, पता नहीं उसमें क्या कुछ सेटिंग्स थी, लेकिन आज मेरे पास आए हुए हैं। अपना नाम बता थोड़ा। जी, मेरा नाम गणेश कुशवाहा है। ठीक, तो अभी ये चैनल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जब तक आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दें, और आगे पूरी फुल सेटिंगों के साथ चैनल बनाने वाला हूँ, लेकिन आप दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे आपको सही से समझ में आए चैनल किस प्रकार बनाना चाहिए। क्योंकि आपको दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको कोई भी बड़ा यूट्यूबर कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आपको आज एक पूरी बारी बारी से दिखाने वाला हूँ। चैनल को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी की पूरी वीडियो देखें, जिससे आपकी सही से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोबाइल फोन से चैनल्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं मोबाइल फोन से चैनल को। देखिए, तो अभी हम जाएंगे यूट्यूब में, सीधा सीधा यूट्यूब में जाएंगे, क्योंकि जो इसके जो भाई की है, जो पहली जीमेल बनी हुई है, उसी पर हम एक चैनल क्रिएट करेंगे। तो देखिए, इधर हम सीधे नीचे की ओर जाएंगे और अब जाएंगे, अब देखते चलना दोस्तों। सीधा सीधा पहले इनका क्या है, जो नाम डालेंगे, नाम डालेंगे गणेश कुशवाहा जी, ए गणेश कुशवाहा, ये नाम डाल दिया। लेकिन सॉरी, ये किस नाम से चैनल बनाना चाह रहे हैं आप? गणेश कुशवाहा के नाम से गणेश कुशवाहा के नाम से ही, तो गणेश कुशवाहा डाल दिया। इसका जो हैंडल है वो भी हम गणेश कुशवाहा, जो डला हुआ है गणेश कुशवाहा, क्योंकि हैंडल भी दोस्तों उसी नाम से डालना चाहिए, जिससे सर्च में एक ही बार में चैनल, अगर वैसे पकड़ा नहीं आ रहा तो एक ही बार में चैनल आ जाए। तो गणेश कुशवाहा के नाम से हैंडल भी बन गया, और इसके हैंडल ले नहीं रहा है, तो हम इसमें डाल देंगे 1 2 3 डाल देंगे हैंडल में, गणेश कुशवाहा 1 2 3। तो ये हैंडल सेव कर दिया, फिर भी नहीं ले रहा है, गणेश तो इसमें हम और कुछ मिलाएंगे, 7 8 9 0 लगा देते हैं। देखिए, ये ले लिया इसने हैंडल। अब यहां पर नीचे दिख रहा है चैनल बनाए, ये सॉरी पूरा बैक हो गया, दोबारा से मैं उसी प्रोसेस पर पहुंच रहा हूँ दोस्तों, और सेटिंग्स में जाएंगे, खाता पर जाएंगे, सेटिंग्स बैक हो रहा है, जा गए अपन भाई। यहां पर अब हम एक फोटो लगाएंगे इनका बढ़िया सा, जो भी आप एडिट करके आप एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद एक फोटो कहीं में भाई, गैलरी में इसमें से एक हम फोटो चुन लेंगे कोई सा भी, और चुनने के बाद अपने नीचे आप सिंगल फोटो नहीं है क्या, ये वाला लगा दें, ठीक है, नीचे आया। और नीचे जो भी आप बाद में भी आप ये रहा, चेंज कर सकते हो, ये हाँ वाला फोटो मैंने इनका चुन लिया है दोस्तों। तो इसको हम प्रोफाइल के तौर पर इसको लगा देते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड जो फोटो है वो आप इसका साइज वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और इस किस हिसाब से आपको बनाना है, वहां वीडियो डली हुई है पूरी, वहां आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये चैनल आपका तैयार हो गया। सॉरी दोस्तों, अब ये चैनल तैयार नहीं हुआ है। अब ये तो यहाँ की सेटिंग्स थी वो मैंने कर दी है, यहाँ से ये चैनल कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलेंगे इसको सीधे यहाँ से बैक करते हुए, अब चलेंगे अपन सीधा क्रोम ब्राउजर पर।
अब जब जैसे ही हम क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे तो उसके बाद हम अपना यूट्यूब खोलेंगे बाय ईटो पार्लर। ईटो खोलते हैं। अब वहां एप्स को छोड़ने के बाद अपन क्रोम ब्राउजर में क्या खोलना है, ईटो। ए डार्क ईटो अपना खुल गया है, ए सॉरी डार्क यूट्यूब खुला। तो अपन को अब यूट्यूब में क्या करना है, इसमें खुलने के लिए बैक करने के बाद सीधा अपन जाएंगे यूट्यूब पर ही जाएंगे और यूट्यूब पर एप्लीकेशन विवरण में जाएंगे और इसको डिफॉल्ट सेटिंग में जाएंगे और यूट्यूब को डायरेक्ट यहाँ से डिफॉल्ट सेटिंग से अपन लोग बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अपन सीधा क्रोम ब्राउजर में फिर से पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्रोम ब्राउजर में अपन यूट्यूब खोलेंगे, डायरेक्ट यूट्यूब खोला और यूट्यूब अब अपन ने यहाँ से यूट्यूब खोला तो अब अपन अपना यूट्यूब अब देखिए इसी का इसी में खुलने लगा है। अब इसी का खुलने के बाद यूट्यूब खुले, अपन यूट्यूब की अपन ने सारी सेटिंग्स कर ली थी। अब अपन यहाँ से बाइटी स्टूडियो में जाएंगे, बाइटी स्टूडियो। जो सेटिंग्स करना होती है दोस्तों वो आप ध्यान दें, यूट्यूब में नहीं होंगी, अब होंगी कहीं में बाइटी स्टूडियो, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये बाइटी स्टूडियो इसमें डाउनलोड करने की बोल रहा है लेकिन ये अपन डाउनलोड नहा सॉरी इसमें करना ही पड़ेगी क्योंकि पहले बाइटी स्टूडियो डाउनलोड करना है अपन को दे रहा। अब बाइटी स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है इसकी। थोड़ा दोस्तों नेट स्लो चल रहा है, एक मिनट और लग रहा है दोस्तों। अगर आपको सही से चैनल बनाया तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। हो गया ये देखिए अपना हो गया है। अब अपन चलेंगे वापस क्रोम ब्राउजर में, बाइटू स्टूडियो खोलेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड अभी भी आ रहा है लेकिन ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से अपन इसको थोड़ा डाउनलोड हो जाने, थोड़ा सेटिंग्स इसमें भी करना है क्योंकि इस जो एप्स है ये अभी बताऊंगा मैं आपको, यूट्यूब की तरह इसमें भी ये खुलने वाला है, ये खुल रहा है डायरेक्ट। अब अपन इसको पहले तो इसकी जो सेटिंग्स है एक वो अगर डायरेक्ट सेटिंग्स में पहुंचेंगे और मोबाइल थोड़ा दोस्तों चिपक रहा है तो लोड नहीं ले पा रहा है। अब इसमें अपन देखेंगे बाइटी स्टूडियो कहाँ है, ये है बाइटी स्टूडियो, ये है इसमें ये वाला अकाउंट था अपना, इसको पहले इसकी थोड़ी सेटिंग्स हैं वो थोड़ा कर लेंगे लोग। ये हाँ है 1-0 सब्सक्राइबर क्योंकि आज अपन ने ये चैनल बनाया हुआ है। अब अपन इसको क्या है एक सेटिंग्स इसमें करनी होती है वो यहाँ से, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से सेटिंग यहाँ से लिंक के द्वारा या क्योंकि ये खुले ना। अब ये सेटिंग्स अपन ने कर ली है, इसके बाद अपन क्रोम ब्राउजर में दोबारा से जाएंगे और यहाँ से फिर से अपन को क्या खोलना है बाइटी स्टूडियो, बाइटी स्टूडियो। दोस्तों ध्यान से देखें तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। यहाँ से ये फिर से ये बोई दे रहा है, ये बाइटी स्टूडियो ये इसमें क्यों पहुंच रहा है,
स्टूडियो के नीचे वेब्स दिया था उस पर अपन डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, और इसके बाद थोड़ा खुलने में समय लग रहा है। इसमें लिखा जारी करें, तो अपन एक यार डेस्कटॉप ही खुला है इसमें, आपके में नहीं खुला हो तो डेस्कटॉप है, ये ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे सीधा जाएं, ये डेस्कटॉप ही खुल रहा है बाई टी स्टूडियो में। पहले ही डेस्कटॉप कर लेंगे क्योंकि आपको दिक्कत ना आए, सारी चीजें सही से आप समझ सकें। और देखिए इसमें अब जारी करें एक लिख रहा है, जारी करें अपन ने कर दिया। इसके बाद दोस्तों अब ये देखिए सबसे नीचे ये लेफ्ट साइड की साइड एक शेडिंग दिख रही है, अपन ये शेडिंग में जाएंगे, ये शेडिंग खुल रहा है, अपन शेडिंग में चले गए। इसके बाद थोड़ा जूम कर लें और अपन सीधे चैनल में जाएंगे, और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पहले अपन अपना कंट्री चुनेंगे, अपना कंट्री चुनेंगे अपन अपना, अपन किस कंट्री से हैं, इसमें थोड़ा ये है अपना भारत, अपन भारत पे अपने पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद डालना होता है दोस्तों कीवर्ड, ये मेन चीज है। अपन ने चैनल क्या नाम से बनाया था दोस्तों, ये बहुत ही मेन चीज है, क्योंकि चैनल जब आएगा सर्च में आएगा तो इन्हीं चीज से चैनल सर्च में आएगा। अपन को किस कैटेगरी से चैनल बनाना है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो दोस्तों आप सॉरी गणेश भाई, आप किस चीज की वीडियो डालना चाहेंगे, किस कैटेगरी का चैनल बनाना है आपको? मॉर्निंग की मतलब गांव की विलेज लाइफ दिखाना चाहेंगे दोस्तों? जी जी, ब्लॉगिंग। तो दोस्तों एक गांव की विलेज लाइफ यानी गांव की जो वीडियो है, तो सबसे पहले अपन डालेंगे इसमें, पहले डाल देते हैं गणेश कुशवा, गणेश कुशवा ठीक है। इसके बाद अपन डाल देंगे इसमें ये क्या है, जो कीवर्ड है वो बहुत मेन होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखें क्या क्या इसमें कुछ चैनल अपने नाम से उसी रेट अपन को डालना है। कुशवा गणेश, कुशवा गणेश डाल दिया। इसके बाद में अपन डाल देंगे इसमें विलेज, क्योंकि विलेज से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, विलेज ब्लॉग, विलेज ब्लॉग डाल दिया। इसके बाद इसमें डाल देते हैं अपन एमपी ब्लॉग, एमपी एमपी ब्लॉग, और इसमें ए भी डाल देते हैं गणेश कुशवा ब्लॉग ठीक है दोस्तों, इसमें ये भी डाल देते हैं कुशवा, कुशवा ब्लॉग। तो यानी दोस्तों जे अपन ने इसमें इसमें अपन मॉर्निंग ब्लॉग भी डाल दें, मॉर्निंग ब्लॉग, मॉर्निंग ब्लॉग भी डाल देते हैं, क्योंकि अपन इसमें और भी डाल सकते हैं, आप डालना चाहें और भी डाल देना गणेश भाई। ये इतना कीवर्ड है, इनसे अपना चैनल सबसे ऊपर आता है, जो सर्च में आता है दोस्तों, सर्चेबल है ऐसी आता है। अब इसके बाद अपन जाएंगे बेहतर सेटिंग में, अब बेहतर सेटिंग में अपन जाते हैं। ये थोड़ा क्या है, थोड़ा वैसा खुला है जी, सामान्य जानकारी, इसको पहले सॉरी इसको अपने सेव नहीं किया, नहीं पूरी जानकारी चली जाएगी, इसको अपन सेव कर लेते हैं पहले। ये अपना सेव हो गया है, फिर से अपन सेव करने के बाद वहीं चले जाएंगे अपनी सेटिंग में, और फिर से अपन चैनल में जाने वाले हैं, और चैनल के बाद अपन बेहतर सेटिंग में जाने वाले हैं। तो और अपन क्योंकि बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो इसमें क्या है अपन को जो बीच वाला टिक है वो अपन इसमें डाल देते हैं। इसके बाद आपत्तिजनक वो है, तो अपन आपत्तिजनक शब्द इस पे भी टिक कर लेते हैं, और विज्ञापन के आधार पर इसको थोड़ा अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में अपन करेंगे। यहाँ से क्या खाता मैनेज भी अपन कर सकते हैं, कौन सा खाता, वीडियो हटाना है या
क्या अभी करना है, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन ने कोई वीडियो नहीं डाला है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सेटिंग्स हो गई है इसकी। अब इसमें ये सुविधा के लिए जरूरी दे अपन क्या है इसमें, इस ये भी बहुत मेन है। इसमें अभी मंजूरी दी गई है लाइव स्टैंड, क्योंकि लाइव करने के लिए दोस्तों यहाँ से अपन को फोन नंबर की अपन को पुष्टि करना होगी, तो वो भी फोन नंबर की पुष्टि यहाँ से अपन करेंगे। इसमें लिखा है फोन नंबर की पुष्टि हो चुकी है, यानी इसमें फोन नंबर ऐड पहले ही कर दिया गया है। इसके बाद अपन आगे देखेंगे, पहले से मुकाबले ये क्या हुआ है, पहले इसको फिर से सेव कर लें जहां से वो समझ में नहीं आ रहा है क्या इसमें खुला है। फिर से अपन उस सेटिंग पे उसी जगह पे अपन को जाना है दोस्तों। अब बार बार इसलिए पहुंचना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों इसको एक एक चीज अपन को सेव करनी होती है। मुकाबले ये क्या है, अभी इसमें दोनों चीजें में इसमें लिख रही है मंजूरी दी गई है, तो मंजूरी दी गई है और अपना जो शुरुआती वीडियो अपलोड करने का वो अभी अपन ने एक भी वीडियो अपन ने अपलोड नहीं किया दोस्तों। इसमें सेव तो अपन ने कर ही दिया था अभी, और इसके बाद और अभी जो और भी सेटिंग्स हैं इनसे अभी अपन को नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद अपन ने ये सेटिंग्स और है कम्युनिटी अनुमति वगैरह कानून समझौते और भी हैं, क्योंकि मैं दोस्तों एक गांव से बिलोंग करता हूँ और सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में यूज करता हूँ, इसलिए आपको हिंदी में मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों। ये अपना हो गया है दोस्तों। इसके बाद अपन थोड़ा बैक जाएंगे, सॉरी ये पूरा का पूरा बैक चला गया है क्योंकि मोबाइल थोड़ा दिक्कत कर रहा है दोस्तों। आप लोग कोई भी चीज से बना सकते हैं, आईफोन वगैरह उससे तो आप बनाते ही होंगे, और इस चैनल बनाने आप बनाना चाहें तो ये जो सेटिंग्स हैं ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो अपलोड के लिए यहां से आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, जैसे फाइल सुने कोई भी आप वीडियो बनाएंगे ब्लॉगिंग से पहले वीडियो जो आप बनाए थोड़ा अच्छा बनाए, और जो गांव की ब्लेच लाए पे पहले आप अपना शुरुआती जो किस चीज पे बनाने वाले हैं वो वीडियो पहले डालें, इसके बाद दोस्तों को भी लोगों को भी लगे कि किस चीज में। और एक बार दोस्तों ये लाइव का जो है लाइव आएगा ये बंदा, तो लाइव कब आ पाएगा मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट मैं सीधे यहाँ से चल रहा हूँ। यहाँ की जो सेटिंग्स थी दोस्तों हो गई है पूरी, अब एक सेटिंग्स और है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूट्यूब में जाएंगे हम सीधा, यूट्यूब यूट्यूब खोला हमने, यूट्यूब के बाद अब वीडियो अपलोड कैसे करना है और किस समय करना है वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोस्तों। और वीडियो अपलोड इसके लिए अपन को जाएंगे, ये प्लस का निशान है इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, और इसमें अपन लाइव, सबसे पहले मैं लाइव का सिस्टम बता दूं ये भाई के लिए, यहाँ से अपन अनुमति दे रहे हैं ठीक है दोस्तों। अब वीडियो सॉरी क्या बोला, शॉर्ट वीडियो के लिए हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम लाइव वीडियो खोलेंगे। लाइव वीडियो के लिए, लाइव वीडियो इसलिए नहीं खुल रहा है दोस्तों क्योंकि लाइव वीडियो के लिए 50 सब्सक्राइबर एक्चुअली होना चाहिए। आप लोग सभी लोग गणेश भाई को सब्सक्राइब कर दें, गणेश कुशवाहा के नाम से इनका चैनल है, ताकि ये भाई हमारा लाइव आ सके दोस्तों जी। यहाँ से वीडियो अपन को अपलोड करना है तो गणेश भाई यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, जहाँ से ऐसे किया गया, और ऐसे कोई भी वीडियो अपन अपलोड कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से वीडियो बनाएं। इसके बाद वीडियो बनाने के बाद आप थंबनेल बनाना सीखें, और भी वीडियो डली हुई है उनसे थंबनेल बनाना सीखें आप, सबसे ज्यादा आपको सीखना है दोस्तों जी। और हमारे गणेश भाई को भी सीखना है,
क्योंकि थंबनेल बनाना सीख गए। चैनल में कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा थंबनेल कीपैड वगैरह ये होते हैं, ये थोड़ा आप बनाना सीख जाए। और वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, और भी चीजें कुछ सेटिंग्स हैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार और भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। अभी जो मेन मेन सेटिंग्स थी दोस्तों वो मैंने आपको कर दिया है। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और हमारे गणेश भाई को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इनका चैनल नया है, 0 सब्सक्राइब है। आप लोगों से ही दोस्तों ये आगे बढ़ेगा बंदा हमारा, और आप सभी के प्यार से एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, क्योंकि आप भी चैनल नया बना सकते हो। किस प्रकार बड़ा यूट्यूबर आपको कोई नहीं बताएगा इस प्रकार का चैनल कैसे बनाए। और आप जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।